तो उत्तराखंड में आज का दिन अहम है चुनाव प्रचार के लिहाज से। आज का ये दिन अहम है, कई पार्टियों के दिग्गज आज चुनावी मैदान में रहेंगे, अलग अलग जगहों में जनता को वो संबोधित करेंगे, जनसभा करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड में ही आज बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे, वो यहां नई टिहरी, बागेश्वर और काशीपुर में रैली करेंगे, जबकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी उत्तराखंड के हरिद्वार में आज चुनावी प्रचार करेंगी। आपको बता दें उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान होना है। तो उत्तराखंड के सितारगंज में आज राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। सितारगंज के शक्ति फार्म में राहुल गांधी की जनसभा होगी। राहुल के दौरे से पहले लेकर एसपीजी और इलाके के एसएसपी ने जनसभा स्थल का जायजा भी लिया। राहुल की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। राहुल गांधी जी वीएपी प्रोडक्ट है, एसपीजी प्रोडक्ट है, उनका सुरक्षा मानक सेपरेट होता है। हम आज इसलिए इधर आए हैं कि जो मानक के अनुसार जो है जो भी कार्रवाई चल रही है उसका समीक्षा करने के लिए आए हैं। सभी कार्रवाई सही तरीके से चल रहा है। इसके अलावा जो हमारा सीओ साहब है, हमारा इंस्पेक्टर साहब है, इनको भी जो भी सुरक्षा का जो नियम को पालन करना है उसी बारे में भी हम डिस्कस करके आउट कराएंगे।